हेलो फ्रेंड्स, टाइटल देख के अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि किस बारे में मैं आज बात करनी चाहती हूँ। क्या करें, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ क्या बोलूँ। ये सब जब खबर मैं देखती हूँ ना टीवी पे, तब मुझे अपनी बेटी की मतलब बातें मुझे याद आती है कि हमारे घर में भी बेटियां हैं, उसको भी बड़ा करना है, बड़े होके आगे जाके वो कुछ बनेगा तो बनेगा, तो बाहर तो जाएगा ही। ये हमारे देश की एक ऐसी हालत है, और मतलब हर 2 महीने 3 महीने 6 महीने में ऐसी एक घटना सामने आ रही है, इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। मतलब कुछ भी, ऐसे किसी का कोई हक है क्या कि किसी को ऐसे मार दे? मतलब लड़कियों की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है अभी। मतलब कोई भी आके कैसे भी किसी लड़की को मार देगा। मतलब ये क्या चल रहा है, ये तो गुंडा राज चल रहा है। ऐसे हमारी बेटियां, मतलब मेरी भी बेटी है, आप सबकी भी बेटी है घर में, तो कैसे सुरक्षित है इस देश में कैसे? मतलब मैं मेरी बेटी की बात मैं बोल रही हूँ, तो उसको मैं तो बड़ा करूंगी, आगे जाके वो कुछ बनेगा। कुछ बनने की बात तो छोड़ दो, उसे तो पढ़ाना लिखाना भी तो है, तो उसके लिए अभी तो उतना प्रेशर नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन जब तक वो जब जब बड़ा हो जाएगा तब तब तो उसको मतलब एडमिशन करवाना पड़ेगा बाहर या कुछ भी। वो आगे जाके क्या बनेगा क्या पढ़ेगा मुझे पता नहीं। तो जब वो बाहर जाएगा तो मैं कैसे, मतलब वो सुरक्षित कैसे, मैं सोच क्या सोच सकती हूँ? मेरी बेटी कैसे सुरक्षित है, आपके बेटे बेटी के बेटिया जो है कैसे सुरक्षित है बाहर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूंगी। मतलब ऐसी घटना हर 2 महीने 3 महीने में ये एक एक घटना आ रहा है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। क्या होगा इस देश का, क्या होगा, हम कैसे बाहर निकलेंगे? मतलब हम बाहर ही निकले ना क्यों, ये कैसे क्या चल रहा है? मतलब सिर्फ बोल के ये करके वो करके कुछ नहीं होगा, इसका एक ऐसा पनिशमेंट निकालना पड़ेगा कि आगे कोई करने से ये डरे। मतलब मुझे तो ये खबर सुन के, मतलब कल से मैं देख रही हूँ एक खबर, कल से देख रही हूँ, लेकिन मैं जो ये वीडियो बनाऊंगी ये भी मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि शॉक में आ गए थे कि कैसे कर सकते हैं एक लड़की के साथ, कोई किसी का हाथ नहीं कांप जाता क्या, किसका हाथ नहीं कांपता है क्या, तो ये कैसे कर सकते है किसी के साथ, एक इंसान होके एक इंसान के साथ ये कैसे कर सकते है? कल से मैं सोचते सोचते आज मैंने सोचा कि इसके लिए एक वीडियो तो मुझे बनाना ही चाहिए, क्योंकि मतलब ये हम लड़कियों को जागना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। मतलब कुछ नहीं होगा नहीं तो आगे जाके हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बात छोड़ो, हमारी बेटियां छोटी छोटी बेटियां है, वो भी तो बड़ा होगा, वो तो बड़ा होके मतलब कैसे। मैं आज प्रियंका रेड्डी का हुआ है, कल मैं भी हो सकती हूँ, मेरी बेटी भी हो सकती है, कल आप भी हो सकते हो, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, भगवान करे ऐसे ना हो, लेकिन हो तो सकती हूँ, मैं भी हो सकती हूँ। तो ये क्या चल रहा है, ये कैसे, मतलब हम बाहर कैसे निकले? मतलब हम बेटियों को तो बड़ा समझते हैं, मतलब समझाते हैं कि ऐसे करो, ऐसे पहनो, ऐसे चलो, ऐसे रहो। बेटियों को मुझे लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, कि बेटियों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बेटियां इतने समझदार तो होते हैं कि आगे चल के अपने पापा के घर छोड़ के दूसरों के घर जाके सब कुछ एडजस्ट करते हैं, उसमें मतलब उन लोगों में समझदारी है, इसीलिए करते हैं। तो मुझे लगता है कि बेटियों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बदलना होगा, हमें बेटियों को छोड़ के बेटा जो होता है ना घर का, उसे समझाना होगा, हमें उसे समझाना हो, उन लोगों को समझाना होगा, हमारे घर में जो बेटा होता है ना, बेटा पैदा होता है, तब उनको हमें समझाना चाहिए कि ऐसे चलो, ऐसे बात करो, लड़कियों से ऐसे बात करो, लड़कियों से ऐसे रहो, औरतों को रिस्पेक्ट करो। ये बेटों को समझाना होगा हमें, बेटियों को नहीं, बेटियां तो समझदार होते हैं। मैं हर लड़के की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे भी पापा है, भाई है, मेरी हस्बैंड है, ये सब तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इसका कोई अच्छा सा जबरदस्त सा पनिशमेंट निकलना चाहिए। अभी अभी तो बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया, अभी तो इसका कोई पनिशमेंट निकलना चाहिए, कि ऐसा पनिशमेंट हो, ऐसा पनिशमेंट हो कि आदमी का रूह कांप जाए, और किसी को देख के मतलब कोई दूसरा को करने से पहले एक बार सोचे,
मुझे तो ऐसा लगता है। आपके ओपिनियन आप लोग जरूर शेयर करना। मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि चुप रहने की टाइम अभी गया, अभी चुप रहने की टाइम गया। मैंने ऐसा वीडियो आज तक कभी नहीं बनाया, आज तक कभी नहीं बनाया, लेकिन आज बनाने में मैं मजबूर हो गई हूँ, क्योंकि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। मतलब घर बैठ के आज वो किसी की बेटी थी, किसी की दीदी थी, किसी की बहन थी, किसी की मतलब वो गया ना, गया एक माँ की, मतलब क्या बोलू मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं कुछ मतलब बोल नहीं सकती हूँ। ऐसे ऐसी मौत किसी को, मतलब कितनी दर्द में होते होंगे वो लड़की कि ऐसी मौत मिला उसको। चलिए बाय बाय।